नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टिप्स मिलते हैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में मदद करते हैं। सो दोस्तों, वो आपको डेली रीड करना होता है और उन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग जानेंगे करेक्ट यूज ऑफ इट। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इट का यूज करना नहीं आता है। आज के लेसन में हम जानेंगे इट के डिफरेंट यूजेस। दोस्तों, हम इट का प्रयोग करते हैं टाइम दर्शाने के लिए या फिर डेट दर्शाने के लिए, कोई तारीख दर्शाने के लिए, और वेदर यानी मौसम दर्शाने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कहा इट इज 3 o'clock, सो दोस्तों यहां 3 o'clock क्या है? टाइम। टाइम के लिए हम इट यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपने कहा इट इज हॉट, यानी अभी गर्मी है, इट इज हॉट, तो यहां वेदर दर्शाने के लिए भी हमने इट यूज किया। दोस्तों, इसी तरह से सेकेंड रूल है, इट का प्रयोग हम लोगों अपने लिए, अपने बारे में और दूसरों के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं। जैसे हेलो, हु इज इट, यानी हेलो कौन बोल रहा है, कौन है वहां, तो ऐसे में हम कहेंगे हु इज इट या हु इज देयर। ओके दोस्तों, इसके अलावा रूल नंबर 3 कहता है, जब हमें जेंडर का ज्ञान ना हो, यानी जब हमें जेंडर का बारे में पता ना हो, तो ऐसे में भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज अ स्नेक, यानी यह एक सांप है, तो ऐसे में हम इट यूज करते हैं। दोस्तों, इट का चौथा रूल है, हम इट का प्रयोग करते हैं जब पहले आए हुए कोई नाउन है उसके लिए कोई सेंटेंस बनाना हो, तो वहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कार इज स्टैंडिंग इन द पार्किंग, यानी कार खड़ी हुई है पार्किंग में, इट इज सेफ, यानी वह कैसी है, वह सेफ है, वह सुरक्षित है, तो आप कहेंगे इट इज सेफ। दोस्तों, इसके अलावा पांचवा रूल कहता है, इट का प्रयोग पहले आए हुए वाक्य के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पपी इट इज, सो दोस्तों व्हाट अ ब्यूटीफुल पपी, पपी के लिए दूसरा सेंटेंस बनाया गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पपी इट इज, यानी यह कितना सुंदर पपी है। सो दोस्तों, इट के इस तरह के यूज होते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।